ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुना रहा हूँ। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदस्य सब प्रकार के सुखों से संपन्न थी। उसमें वहां के महाराजा द्वारा बनाया हुआ एक अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी बना हुआ था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविरोध करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोड़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी के शरीर में कोड़ पैदा हो गया। इस तरह पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को अवश्य दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में 16 सोमवार व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा शेर गेहूं का आटा लें, उसके तीन अंगा बनाएं और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी दो शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सिर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप कुटुंब प्रसादी लें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारी, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार संग्रहित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार
बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एदन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को जो सब तरह से मनोरथों को पूर्ण करने वाला है सुना तो वह भी इस व्रत को राज अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं आई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दें, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की भविष्यवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विषय और दुख में डूब गए क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसते हुए नगर के बाहर चली गई, बिना पद त्राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरता के तट पर गई तो सरता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई, वहां जाकर सरोवर में से सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश समान जल असंख्य कीड़ों से युक्त होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से जो उसे जंगल में ऐसे मंदिर में पुजारी थे कही, पुजारी जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख की कांति और शरीर की शोभा देख गोसाई जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आराम से रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाते उसमें कीड़े पड़ जाते।
अब तो गोसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाली 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने कहां कहां भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच उसने रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है, शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार से बाजे बजने लगी। नगर वासियों ने नगर को तोरण व बंदर बानों से विविध विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन दान दिया, नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी का कृपा पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार व्रत को करने लगा और विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत व पूजन करता है, विधिवत संपन्न करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त करता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत है। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।